यहाँ पे बड़ी मम्मी थी और ना ये लोग ना ऐसे साल के अंदर अपना मुंह कर करके देखती है मोबाइल, तो मैं ऐसे चोरी से देख रही थी, फिर उन्होंने देख लिया तो हंसने लगी। और मैं डांस कर रही थी ना, दादी और मम्मी मुझे देख रही थी, मैं चिढ़ाने के लिए ऐसे डांस कर रही थी, वो लोग बहुत ध्यान से मुझे देख रही थी। तो वही, और उसके बाद देखिए आलू खन गया है पूरा घर, मतलब खेत का मेरे, जो चाहे जितना भी बोया था, ज़्यादा तो बोया नहीं था, तो उसमें से ना अभी भी आलू खनने के बाद मतलब निकल रहा है, जैसे मिट्टी खनने के बाद ना आलू निकल रहा है उसमें से, तो मैं वही देख रही थी। और मैंने छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे, मैं वो देख रही थी कि है कि नहीं है। तो उसी में जो कुछ दूसरे तरफ के पौधे थे, वहाँ खाद अच्छी खासी मिल गई है, तो पौधे बढ़ गए, तो मैं वही कह रही थी खाद मिल गया होता ना तो और अच्छे से पौधा बढ़ गया होता, तो टाइम से नेक्स्ट टाइम अब टाइम से लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं गाना यहीं पे साउंड ड्रम रखी थी और गाना बजाई थी, और यहाँ पे गाना मैं लगा रही थी वही, और कुछ इस तरीके से एंजॉय कर रही थी। वैसे तो आज संडे है, वीडियो डालने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि संडे फन डे होता है, एंजॉय करो बिना टेंशन के। ये भी देखिए, ये भी लगी थी साल के अंदर मोबाइल देखने में। तो चलो भाई मैं चलती हूँ अंदर अब, और आपसे मिलती यहाँ कुछ पे देर बाद। मैं चल रही हूँ अब अंदर, मैंने थोड़ा सा धूप ले लिया, धूप क्या हवा ज़्यादा लग रही है, धूप कम लग रही है, तो मैं चल रही हूँ अंधेरा। मेरा ऐसे चलने के पीछे ये राज है कि उधर से रोशनी ना नहीं आती है बराबर, इस वजह से। तो मैं चल रही हूँ अंदर, यहाँ साउंड ड्रम ले लिया मैंने और ये मोबाइल, थोड़ा सा गाना बजाऊंगी चलाऊंगी, मूड फ्रेश रहे, उसके बाद रूम में थोड़ा सा आराम करूँगी, आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, एंड कुछ दोस्त हैं मेरी जिनको मुझसे बात करनी है, कई दिन से फ़ोन आ रहा है तो उनसे बात करूँगी, चलती हूँ अब, बाय बाय। ऊ अंटवा मामा, ऊ अंटवा मामा, मैंने इस पे रील्स बनाया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा गाना गा रही हूँ। अगर आप वो रील्स देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कल्याणी 4456। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, तो इसलिए मैं सोचे मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आई थी, जैसे मेरा सुबह उठना होता है ना, तो मेरा फर्स्ट काम यही होता है, मेरा काम सब काम जो भी मेरा है ख़त्म करो, उसके बाद तुरंत नहाओ। तो मैं उठने के साथ ही जैसे नहाना पसंद करती हूँ, तो थोड़ा ठंड रहती थी तो मैं थोड़ा आलस कर लेती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उठने के साथ ही नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ वीडियो में आऊँ। तो यही था। और यहाँ आज मैंने बाल धुला था, बाल में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ पड़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बाल धुल लिया है, आप देख रहे हैं, और दादी भी नहा ली हैं। दादी कह रही हैं आज सुबह नहा ली क्या? मैंने कहा मैं सुबह नहीं नहाई हूँ, आप लेट नहाए हो। तो वही है, और दादी कपड़ा डाल दी थी टोपे, और मैं थोड़ा सा बाल सुखा रही थी, फिर दादी बैठ गई थी तो मैं बाल ऐसे झाड़ रही थी, तो मम्मी दादी देखी तो दादी ने बोला कि मैं भी सोच रही थी बाल धुल लूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं धुली? फिर तो बोल रही है कि मेरा ना तेल ख़त्म हो गया, मैं बालों में तेल नहीं लगाई थी। तो मैंने कहा कि कौन सा तेल, आंवला लगाती हो क्या? हाँ। तो हम बैठे, हम क्या रुका, हम बोले कि बताई तो कि ना अपनी दादी से, मैंने बोला ऐसे कि हम शैम्पू तेल और जौन भी चीज़ तो के चाहा तो बतावा, तो मैं वो सब मंगवा दूंगी, ऐसे मैंने बोला उनको। तो बोलेंगे कि नहीं, रहने उनका कहना था कि रहने दो, मतलब अपना पैसा रुपया बचा के रखो, काम देगा, दवाई ववाई को तुम्हें चाहिए होता है ऐसे वैसे। तो मैंने बोला, वही मैं बोल रही थी चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा आ जाएगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने का तेल मिलेगा मंगवा देंगे ना। तो वही मैं दादी से बात उत कर रही थी, तो कह रही थी नहीं तुम अपना पैसा वैसा बचा के रखो, तुम्हारे आगे काम देगा, दवाई को काम देगा, ये चीज़ें वो चीज़ें, पैसे से ही तो आएगा, फ्री में तो आएगा नहीं। मैंने कहा हाँ वो तो है लेकिन ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे बातें हो रही थी दादी और मेरे में। तो ना बना लगा पत्ता गोभी, अरे पत्ता गोभी गाजर है ये, हाँ आज तो बनना चाहिए, और मटर है ये है, तो मोमोज, मैदा, तू लोग मैदा खाए, वो हम तो आटा खाए, क्या
आई एम नॉट अरे मैदा में भरा जाला ना मोमोज तब तो तू लोग मोमोज मैदा में खाइबू और हम आटा में खाई दिल चरखे की तू डोरी देखूं आपकी सब्जी सब्जी के भाइयों बहनों सब्जी बनके तैयार हो गया है हमारे यहाँ सब्जी हम बना रहे हैं सुबह सुबह उठ के हम सब्जी बना रहे हैं। आइए पत्ता गोभी का सब्जी खाइए जो हम नहीं पसंद करते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की गुड मॉर्निंग और अच्छी वाली स्माइल के साथ आपके साथ सामने आ गई हूँ। इसलिए आई हूँ क्योंकि आप लोग को ये रहता है कि दीदी स्माइल करें, अच्छी खुश रहें, क्योंकि कल रात के कमेंट से पढ़ के ना सच में आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी खुशी चाहते हो मुझे पता चल रहा था, क्योंकि उस कमेंट में भर भर के बस खुशी मेरी खुशी के लिए ही आप लोग इतना कर रहे थे। और मैंने ऐसे ही वीडियो डाल दिया कि आप मैसेज डेली मुझे करते हो, आप अपने मेरी सासू माँ को क्या मैसेज करोगे। तो मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं आप लोगों, सच में यार दिल भर आया एकदम से। खुशी भी हुई कि आप लोग मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना कमेंट था। और देखो कहना तो ये चाहूँगी कि सासू माँ के लिए कि वो चाह के भी मुझे रख नहीं सकती और मैं रहना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि हालात बहुत बहुत बिगड़ गए हैं हमारे, उनके और मेरे। और ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन अच्छा लगा मुझे आप लोगों का जान के। और ऐसा कुछ प्रेशर करने वाला वीडियो भी नहीं था उनके लिए कि प्रेशर, बस मैं ऐसे ही आप लोग की सोच जानना चाहती थी, आप लोग अब क्या सोचते हो मेरे बारे में। क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने ना दिल्ली के सारे वीडियो देखे थे रात में, कम से कम 3-4, उस दिन 5:30 बज गया था मुझे सोते सोते परसों रात में। मैं पुराने वीडियो वही देख रही थी मम्मी के साथ वाले, मैंने कैसे इंजॉय किए हैं, मतलब सच में वो वीडियो देख के कोई नहीं कह सकता कि अब ऐसे हालात हो गए हैं। और मैं खुद देख के सोच रही थी कि ऐसे मतलब ये सब बनावटी हो सकता है क्या, ये सब बनावटी हो सकता है, मतलब ये चीज़ें थी। तो वही चीज़ें हैं पूरा। और ऐसा होता भी है मेरे साथ कि जब मैं मिस करती हूँ मम्मी को या फैमिली को, तो मैं बैक वीडियो उठा के देख लेती हूँ, पापा के मम्मी के उठा के देख लेती हूँ। लवली की फोटो वीडियो तो मेरे मोबाइल में भरी पड़ी है। तो यही है चीज़ें। और देखो यार मैंने इतना भी जान लिया है कि ना वो चाह के भी मुझे नहीं रख सकती, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब मैं बहुत टूट गई थी, बहुत टूट गई थी। लवली पापा दोनों लोग चले गए थे, बहुत टूट गई थी और मेरा सहारा सब कुछ छिन गया था, सब कुछ। तो मैंने मम्मी से ये चीज़ रो के बोला था कि मम्मी मेरा सब कुछ छूट जा रहा है, लेकिन मेरा ना आपसे, आपके बिना मतलब मेरा आपसे जो लगाव है ना वो छूट ही नहीं रहा है, मैंने रोते हुए बोला था। मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती, मेरे से आप छूट ही नहीं रही हैं पता नहीं क्यों। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भी जैसे वो रोने लगी और बोली कि क्या करूं मैं, ऐसे बोली। फिर यही चीज़ें थी हमारी। जहाँ रहें अच्छे से रहें, तबीयत उनकी ठीक रहे, स्वस्थ रहें, और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, आप और लक्की भैया हमेशा अच्छे से रहिए, मैं यही चाहती हूँ। बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, एक रुपया भी नहीं चाहिए, एक कोई एक मतलब वहाँ का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग अच्छे से रहिए। मैं फ्यूचर में भी कभी देखूँगी ना कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं तो मैं खुश रहूँगी, बस यही है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।